हेलो दोस्तों, तो होंडा के एक्टिवा मॉडल को इंडिया में 20 साल हो गए हैं और इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए होंडा ने एक्टिवा 6G के दो नए कलर्स को निकाल दिया है। एक तो है पर्ल नाइट स्टार ब्लैक और दूसरा है मैट मैच्योर ब्राउन मेटालिक। वैसे डिज़ाइन वाइज और फीचर वाइज इन दोनों कलर्स में कोई भी आपको चेंजेस नहीं मिलेगा कंपेयर टू पुराना जो एक्टिवा 6G का मॉडल आता था, बस इसमें आपको माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो इन दोनों स्पेशल कलर की जो प्राइस है वो लगभग 1,500 रुपये से ज़्यादा है कंपेयर टू जो पहले के मॉडल आता है। इन दोनों कलर्स में आपको दो मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे, एक तो है स्टैंडर्ड और डिलक्स। स्टैंडर्ड और डिलक्स में जस्ट यही डिफरेंस होता है कि डिलक्स में आपको LED हेडलाइट मिलती है जबकि स्टैंडर्ड में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है स्टैंडर्ड मॉडल का 67,392 एक शोरूम डेली है और इसका जो डिलक्स मॉडल आता है इसकी प्राइस है 68,892 एक शोरूम डेली। इसके बाद चेंजेस की बात करें तो इन दोनों कलर्स में आपको जो ग्रैब हैंडल का कलर है वो सिल्वर नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर में आपको ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल मिलेगा और ब्राउन कलर में आपको ब्राउन कलर का ग्रैब हैंडल मिलेगा। इसके बाद दूसरे चेंज की बात करें तो इसमें आपको एक्टिवा का बैज मिलेगा विच इज़ फिनिश्ड इन गोल्ड कलर और इसमें आपको 20th एनिवर्सरी का लोगो और स्ट्राइप्स मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करें तो इन दोनों कलर्स में जो व्हील्स और इंजन की केसिंग है वो ब्लैक कलर में है इंस्टेड ऑफ सिल्वर। बाकी सभी चीज़ें इन दोनों कलर्स के पुराने मॉडल्स की तरह ही हैं। स्कूटर में 109.51 cc का फैन कूल्ड SI 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिल जाता है। इसकी मैक्सिमम पावर 7.67 bhp की रहती है और मैक्सिमम टॉर्क 8.79 Nm का रहता है। स्कूटर में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आगे और पीछे की तरफ और इसमें जो ब्रेक्स मिलते हैं वो ड्रमी मिलते हैं, इसमें डिस्क का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये सब होंडा एक्टिवा 6G के नए कलर्स का एक वीडियो था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।